कन्हैया कैसेट के माध्यम से ताहर का ब्याह यानी बांसीगढ़ की लड़ाई आप लोगों की सेवा में आल्हा सम्राट बिंदादिन शास्त्री। सरस्वती वंदन करूं धरूं चरण पर माथ, बार बार विनती करूं जोड़ूं दोनों हाथ, जोड़ूं दोनों हाथ। सुनो जगदम्ब भवानी, रचो छंद पर छंद, मात है पीड़ा वाली। शास्त्री कहे पुकारी, हाथ लई सुमन कमाला, अब देहु मोही बरदान, कहब हम आज तो आला। मात शारदा ढोलक बैठो, भुजा में बैठो वीर हनुमान, अरे कंठे में बैठो तुम कंठेश्वर, और जिभ्या में सरस्वती माए। आज ताहर का ब्याह मासीगढ़ की लड़ाई का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं, हमें विश्वास है आप लोगों को अत्यंत पसंद आएगा। साथियों, बिरसा सेन महाराज जो बांसी के सम्राट हैं, उनके दो राजकुमार हैं जिनका नाम अजय दत्त और विजय दत्त है। महाराज बिरसा सेन की पुत्री का नाम है चंद्रभागा और बिरसा सेन के छोटे भाई का नाम है बब्बुल सिंह। और उसी बांसी में एक उर्दा नाम की जो बेड़नी नटनी है, वो जादू के कला में बहुत सिरमौर है, जो मनुष्यों को पत्थर के रूप में बदल देती है। आज सावन का महीना लगा है और सभी माताओं बहनों का त्योहार है, बाग में झूला पड़ा है और चंद्रभागा बगीचे में पहुंच जाती है। छोटेलाल जी, जब बगीचे में पहुंचती है चंद्रभागा तो झूला झूल रही है सखियां और उनसे कहती है, अरे झूला बहनी हमें झूला लो, और हमारे हुए तीज त्योहार। तब ही सखिया बोली बोले, बेटी सुनो बिसेने क्यार। सहेलियां बोली है, राजकुमारी ये झूला जो हम लोग झूल रहे हैं, ये जो ब्याहता नारी हैं उनके लिए है और जो कुंवारी हैं उनके लिए नहीं है। और सुनिएगा बात मेरी, ए राजकुमारी, पिता तुम्हारे के अन्न धन कमती की फिर लाग वंश में दाग। अरे काहे ब्याह कियो ना तुम्हारा, पहले मतलब दियो बताए। या भई बानी जब सखियन के तो बेटी आस रही डर का, चंदा लौटे
पति की तोप लाग कुलन माया दाग। बेटी ने माँ से पूछा कि तुम्हारे कुल में या दाग लगा है या तो तुम्हारे घर में पैसा नहीं था, तुमने मेरा विवाह क्यों नहीं किया। हमारे संग की जो सहेलियां हैं वो ससुराल चली गई हैं। ए मैया गोदी में एक लला खिला रही, लला बउआ है। ए माँ संग की सहेली बोली मारी, अरे सीना चीरी बहर कई जाई, अरे बात लाग गई हमरे जियरा हम ते धीर धरा ना जाए। नहीं है, अरे इसका विवाह कर दो। महाराज के मन में बात आ गई, उन्होंने अपने बड़े बेटा अजय दत्त को बुलाया और पंडित और बारी को बुला करके टीका लिखा दिया है और पत्र में लिखा है कि हम विशासेन वासी के सम्राट हैं और रुपया पैसा इतना देंगे कि दूसरा किला बन जाएगा, फौज इतनी दे देंगे कि दूसरा राज दरबार बन जाएगा। लेकिन वासी की लड़ाई कठिन है, पहली लड़ाई अजय दत्त और विजय दत्त से होगी, दूसरी लड़ाई बबुल से होगी, अगर बबुल से जीत जाओगे तो जादू की लड़ाई उर्दा बेड़िन की होगी और इतनी कुम्मत अगर जिसमें होगी वो मेरी बेटी का तिलक चढ़ा ले। इधर अजय दत्त लेकर के टीका सीधा कन्नौज के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे लयक टीका अब बिटिया का चल भे अजय दत्त सरदार, जाय पहुंचे कनौज मा राजा जय चंद के दरबार। दीना पाती जब राजा को पाती पढ़ा कनौजी राय, ले जाओ टीका वापस बस करो हमारे।
सवार। चौहान ए चौड़ा मुंशी, जो हमारे रिश्तेदार हैं सबके लिए निमंत्रण लिख दो। पहला नेउता तुम लिख दीजिए, अब ना रखो देर लगाए। पहला हक है अब मामा का, तुम माहिल का दियो पक राय। दूसरा नेउता तुम लिख दीजिए, अरे अब का राखो देर लगाए। सगे दमाद हमा ब्रह्मा है, तुम मोहबे का दियो पहुंच जाए। ऐसी बात जब कहा तो आग लग गई माहिल की। बोले जीजा जी, अरे आई है चंदेला जो ने उते मा, तो संग माया है बना फर राय। उनके संग मा हम जो खाइबे, जीजा चला धर्म सब जाए। ए जीजा जी, ईट नरदवा कह तुम लैके, कहे छज्जा मार हो लगाए। अरे अब हम चले जा बउरई का, जो न्यूता मुहबे दे हो पठाए। सुनकर बानी वही बेरी आमा, अब नहीं राखा देर लगाए। क्या गति बरने दिल्ली पतिका, सोचन लगे पिथौरा राय। सुनो हकीकत दिल्ली पतिका,
बांसी जा रहे हो, बांसी में तुम्हारी हार हो जाएगी। पृथ्वीराज घबरा गए, लेकिन फौज लेकर के बांसी के लिए प्रस्थान किया है। और जब बांसी में जाकर के फौज पहुंची है, तो पृथ्वीराज चौहान का जो बारी है उसका नाम है घासी। घासी नाव से कहने लगे, पनवारी लेकर के बांसी चले जाओ। घासी जब पनवारी लेकर के बांसी के दरबार में पहुंचा, जैसे पत्र दिया, बोला महाराज, महाराज पृथ्वीराज चौहान बारात लेकर के बांसी आ गए हैं, उनके राशन पानी की व्यवस्था कर दो। विशासान बेला पगला, और तेरा दक्षिणा क्या है? घासी बोला, मेरा दक्षिणा चुपता कर दो। बोले राजा बांसी वाले बबुल, सुन लो ध्यान लगाए, अरे लेके जूतन वाला माला यही के गले दियो पहराए। No.
देखा तो डरा राजाए गम 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 बोला बरसन की नगर गति कहीं न जाए बोला लागे जोर थमैया बैहा गुरी अलग होई